हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्स ऑफ रेसलिंग में। आज की इस वीडियो में बात करते हैं ब्रॉक लेसनर रिटर्न रूमर्स एंड समर स्लैम ऑफिशियल अनाउंसमेंट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, सबसे पहले बात करते हैं समर स्लैम ऑफिशियल अनाउंसमेंट। WWE ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर बता दिया कि इस बार समर स्लैम होगा एलिजेंट स्टेडियम से, जहां पर फैंस भी होंगे लाइव। 6,000 फैन कैपेसिटी स्टेडियम का होने वाला है। रेसलमेनिया से भी ज्यादा फैंस हमें इस बार देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन 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 एक चीज़ चेंज हो गया है, समय स्लैम हमें संडे को नहीं सैटरडे को देखने के लिए मिलने वाला है। अपने इंडियन टेलीविज़न के हिसाब से बताएं तो संडे को होगा लाइव समय स्लैम। सो देखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कम से कम फैंस वापस आएंगे WWE में वापस। नेक्स्ट स्टोरी उस सुपरस्टार के लिए जिसका पॉसिबली हो सकता है रिटर्न बिफोर समय स्लैम, ब्रॉक लेसनर। लास्ट वीक रॉ में नेम मेंशन हुआ था ब्रॉक लेसनर का। ड्रू मैकिंटायर ने कहा था डैट आई बीट ब्रॉक लेसनर, और कोफी किंगस्टन ने उसे कभी नहीं हराया। बॉबी लैशली ने कहा तुम दोनों उस सुपरस्टार की बात ही क्यों कर रहे हो जो WWE में अब आता ही नहीं है। यहाँ से हमें हिंट्स दे रही हो कि ब्रॉक लेसनर जल्दी ही वापस आने वाले हैं। इनसाइडर्स के साइड से काफ़ी रिपोर्ट्स आ रहा है कि WWE ब्रॉक लेसनर के लिए स्टोरी लाइन सेट कर रही है। अभी रिसेंटली WWE का एक एलुमनी सेक्शन होता है, जहाँ पर एक्टिव और अनएक्टिव सुपरस्टार का लिस्ट होता है कि कौन सा सुपरस्टार WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, कौन सा सुपरस्टार WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। सो अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रॉक लेसनर को वापस से WWE ने एक्टिव सुपरस्टार के लिस्ट में ऐड कर दिया। सो काफ़ी पॉजिटिव हिंट्स मिल रहा है कि ब्रॉक लेसनर जल्दी करने वाले हैं अपना रिटर्न। लेकिन वो किसके अगेंस्ट रिटर्न करेंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसके लिए भी एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन हो सकता है अपोनेंट ब्रॉक लेसनर का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही WWE अपडेट्स जानने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।